मैं नीता अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको, मैंने कल जुराब के बारे में बताया था, तो उसका मैंने पार्ट वन बताया था, एडी पंजे से ऊपर ऊपर का हिस्सा। ये देखिए अब बन के ये ऐसा बन होगी, इतनी बना ली है मैंने। चार पट्टियाँ, चार चार सलाइयों की बॉर्डर बनाने के बाद चार चार सलाइयों की मैंने ये चार पट्टियाँ डाल ली हैं। अब अगर आप इसको और भी ऊंची करना चाहें जुराब को, तो और भी ऊंचा कर सकते हैं, तो इसको इसी चीज़ को आप बढ़ा सकते हैं। और नहीं, अगर इतनी रखना चाहें तो इतनी ठीक, मैं मेरे हिसाब से तो शायद इतनी ही ठीक है। और ये जो मैंने जालियाँ डाल दी हैं, इसमें हम धागा डाल देंगे बटके, तो उससे बांधने से फिर बच्चे की जुराबें सरकती नहीं है। अब इससे आगे मैंने क्या करना है, मैंने अब इसके, मैं जितने फंदे हैं उसके मैं तीन पार्ट कर लूँगी। यानी कि मेरे पास अब ये 40 फंदे हैं, तो 13 फंदे मैं इधर रखूँगी, 13 फंदे इधर रखूँगी, बीच में 14 फंदे मेरे बचेंगे, उनको मैं बनाऊँगी। अभी देखो मैं आपको बना के दिखाती हूँ। देखो मैंने इधर से मैंने तीन पार्ट कर लिए इसके, एक पार्ट मैंने इधर छोड़ दिया, एक बार इधर 13 फंदे मैंने ये इधर छोड़ दूंगी। ये बीच के जो 13 फंदे हैं ये, वो मैं अब उल्टा सीधा इनको मैं बना लूंगी। 13 फंदे इधर छोड़ दिए मैंने, 13 फंदे इधर छोड़ दिए, और ये बीच के जो 13 फंदे हैं उनको मैं बना लूंगी। अब मैं बना के फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अब ये देखिए मैंने अब इसमें 16 सलाइयाँ मैंने बना ली हैं। बीच बीच का मैंने जैसे बताया था कि 13 फंदे इधर छोड़ दिए, 13 इधर छोड़ दिए, अभी बीच के मैंने ये 16 सलाइयाँ बना ली है उल्टी सीधी। अगर आप उल्टी उल्टी इस बॉर्डर की तरह बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं, वो भी अच्छी लगती हैं। मैंने ये सीधी सीधी 16 सलाइयाँ बना ली हैं। अब देखो मैं इसमें क्या करूँगी। अब मैंने ये दिख रहे हैं, ये 1 2 3 ये अलग अलग अलग, ये जो जितनी सिलाइयाँ मैंने बनाई हैं 8 जो बनाए, 8 दिख रहे हैं, तो इन 8 फंदों को मैं उठा लूँगी। ये देखो ये एक, ये एक फंदा मैंने उठा लिया। अब ये देखो ये जो धागे दिख रहा है इसमें से दूसरा दूसरा फंदा मैंने उठा लिया। अब ये दिख रहा है तीसरा फंदा मैंने उठा लिया। अब ये दो फंदे दिखे, इसमें से चौथा फंदा मैंने उठा लिया। ये दो ये दिख रही हैं, ये इसमें से मैंने पांचवा फंदा उठा लिया, छठा, सातवां, आठवां, 8 16 सिलाई बनाई, तो ये 8 फंदे मैं इधर से उठा लूंगी। छठा, सातवां, और अब ये 8 फंदे मैंने उठा लिए। अब मैं इन फंदों को भी बना लूंगी, जो इसके साथ आगे सिलाई में फंदे हैं, ये इन फंदों को भी मैं बना लूंगी। ये 13 फंदे वो थे, 8 फंदे मैंने वो उठा लिए, और 13 ये सारे मैंने अब एक सिलाई में आ गए हैं। अब इस सिलाई को मैं वापिस अब इसको फिर बुन लूंगी। तो मैंने 13 फंदे मेरे पीछे मैंने छोड़े हुए थे ये बना लिए, बीच में मैंने 8 फंदे जो उठाए थे वो भी बना लिए, और उसके बाद ये जो बीच का मैंने 13 फंदों का जो सीधा बनाया था आगे, तो ये भी मैंने बुन लिया एक सिलाई में। अब ये मैं दूसरी सिलाई साइड में आ गई। अब दूसरी साइड में भी मैंने ऐसे ही 8 फंदे जैसे इधर उठाए थे, ऐसे ही 8 फंदे मैं इसमें से उठाऊंगी। एक, दो, क्या है भैया? तीन, तीन, चार, पांच,
पाँच छः, ये देखो ये चीज़ दिखती है, सात और ये आठ फंदे, ये आठ फंदे इधर से उठा लिए। अब ये तेरह फंदे भी मैं इसी के अंदर मिला लूँगी सारे के सारे। अब मैं ये जो भी सारे तेरह ये थे, तेरह मैंने बीच के इधर ही और आठ आठ साइड के, इनको सारों को मैं आठ दस सिलाइयाँ बनाकर फिर मैं आपको दिखाऊंगी। बना ले इनको मैं बना के फिर मैं आगे दिखाऊंगी। ये उससे आगे मैंने देखो आठ सिलाइयाँ बना ली हैं, सीधी 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 मैंने आठ सिलाई, दो सिलाइयाँ इस रंग की, दूसरे डार्क रंग की, फिर लाइट डार्क, मैं आठ आठ सिलाई मैंने बनाकर, आठ सिलाइयाँ इसकी हैं, आठ इसकी हैं, चार सिलाइयाँ लाइनें हो गई हैं, अब ये आठ सिलाइयाँ हो गई टोटल। तो अब मैं इसके बाद मैंने क्या किया, अब ये टोटल फंदे मेरे पास 56 हैं, 56 फंदे हैं, मैंने अब इनको आधा आधा कर लिया, आधे सिलाई में बुना लिए, आधे ये इसी में रहे हैं। अब मैं इनको उल्टा कर लूँगी, ये देखिए मैंने इसको अंदर की साइड से, अंदर की साइड से अब मैं इनको बंद कर दूँगी, दोनों फंदों को मिला के, एक फंदा इस सिलाई से, एक फंदा इस सिलाई से, और मैं इसको अभी बंद करके दिखाती हूँ। एक पीछे सिलाई से फंदा लिया मैंने, लिया दोनों फंदों का एक बना दिया, फिर मैंने ये एक पीछे वाली सिलाई से, एक इस सिलाई से फंदा लिया और इसको दोनों को एक बना दिया, और इसको इसके ऊपर से उतार दिया, एक पीछे वाली सिलाई से, एक आगे वाली सिलाई से लेकर मैंने दो का एक किया और इसको उतार दिया। सारे फंदे अब ये ऐसे ही बंद करने हैं, ये देखो पीछे वाली सिलाई में लेके पीछे से उतार दो, ये लिया एक फंदा इसका, एक फंदा इसका, और ये सारा मैंने अब उतार दिया। अभी इसको मैं सारा को बंद करके आपको फिर दिखाती हूँ। ये मैंने अभी ये सारा, ये पीछे से सारा 28 फंदे मेरे इसमें थे, 28 पीछे की साइड से सारा का सारा मैंने जोड़ के दोनों, और ये मैंने बंद कर दिए। अब ये देखो इस साइड से इसको मैंने अब सीधा किया, सीधा करने से ये देखो मेरी जुराब बनकर तैयार है। अगर ये 6 महीने तक के बच्चे के तो ये आराम से आ जाएगी नीचे का हिस्सा, लेकिन अगर बच्चा आपका 1 साल का है तो आप ये पीछे की सिलाइयाँ, मैंने जैसे 8-8 सिलाइयाँ बनाई है, तो आप इसको 10-10 सिलाइयाँ या 12-12 सिलाइयाँ बना सकते हैं, तो उसमें ये चीज़ चौड़ी भी हो जाएगी नीचे से, लेकिन 6 महीने तक के बच्चे के लिए आराम से आएगी ये चीज़, 1 साल तक के बच्चे के आराम से आएगी। मैंने ज़्यादा चौड़ी इसीलिए नहीं करी, ज़्यादा छोटे बच्चे के तो फिर ये पैरों में रुकती नहीं है। अब इसको मैं सील लूँगी, सील के और ये एकदम तैयार है। फिर हमें ये जो मैंने जालियाँ डाली हैं इसके अंदर हम धागा डाल लेते हैं, उसको बांध दो, तो बांधने से बच्चे के पैरों में सरकती नहीं है। ये देखो मेरी बनी हुई है आप ये सॉक्स, ये बच्चों के लिए। आपको अच्छी लगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कोई अगर स्वेटर, जुराब, टोपा, मफलर कुछ भी बनवाने का इच्छुक हो तो मेरे को कमेंट्स करके बताएं, मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दूंगी और मैं ऑर्डर पे बना के भी देती हूँ। बाय।